हाँ जी सर, आज सक्सेस हुआ आपका एल्बम, किस तरह कॉन्सेप्ट है एल्बम का ये? ठीक है, मैं द म्यूजिक रूम जो एल्बम है, इसी एल्बम से हमारा जो साथ में काम ये शुरू हुआ। एक बहुत ही डाइवर्स एल्बम है जिसमें 7 गाने हैं, उसमें काफ़ी अलग अलग किस्म के मेलोडीज़ हैं, बहुत डाइवर्स वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंटेशन है और ताल का खेल भी है। जिस तरह का म्यूज़िक आप लोग सुनते हैं फिल्मों में, और वो एक तरह का होता ही ऑफ कोर्स, वो हम सब इंजॉय करते हैं, हम उसके हिस्से हैं, लेकिन जो म्यूज़िक आप नहीं सुन पाते उसके लिए आपको किसी गैर फिल्मी एल्बम का ही सहारा देना पड़ेगा। और हमारा फ़र्ज़ यह है कि जब हम गैर फिल्मी एल्बम कर रहे हैं तो आपको म्यूज़िक अलग से दे, जो आपके बच्चे सुने बोले यार ये किसी फिल्म का नहीं लगता। तो ये कोशिश की हमने अपनी जो एल्बम है द म्यूज़िक रूम, उसमें लिटरली द म्यूज़िक रूम में घुस के हमने अपनी मर्ज़ी से जो गाने निकलते हैं सोच से, हमारी आत्मा से, वो हमने उस पर काम किया। और टाइम्स का ऑफकोर्स इसमें काफ़ी बड़ा हाथ है, और हम सभी बड़े खुश हैं कि एल्बम को लोगों ने पसंद किया और इसे एक, एक और चीज़ है जो कि इसमें स्पेशल है, सारे गाने जो है वो सोनू भाई का लिखा हुआ है, सो ही टर्न्स लिरिसिस्ट विद दिस एल्बम आल्सो। अब ऑफिशियल लिरिक्स, ऑफिशियल पहले में लिखता था ऑफकोर्स। पेंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं आप एल्बम में, पेंटिंग क्या रहस्य? वो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था जो हमारे दोस्त हैं डायरेक्टर रिंगो, उन्होंने बनाया था, और विक्रम भाई के दोस्त हैं एक्चुअली वो। और उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि आप, हम दोनों पेंटिंग कर रहे हैं और हम दोनों लग रहा है कि हम एक लड़की बना रहे हैं, पर जब उस पेंटिंग को उल्टा करते हैं तो मैं विक्रम भाई की तस्वीर बना रहा हूँ और विक्रम भाई मेरी तस्वीर बना रहा है। तो ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम लोगों ने इसको सोचा कि ये कवर पे ही है। हाँ एग्जैक्टली, यही कॉन्सेप्ट कवर पे भी है, आप कवर देखेंगे तो वो उल्टा है, अगर देख रहे हैं तो इसमें उल्टा करेंगे तो फेस आ जाएगा, ब्लू में विक्रम भाई की शक्ल है और जो जला हुआ है वो मेरी शक्ल है।